जी, तो दोस्तों आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक जो कि बहुत आसान भी है और अगर ना समझ में आए तो बहुत मुश्किल भी है, और वो है दे। दे वो वाला नहीं है कि अल्लाह मुझे पैसे दे, बल्कि ये जापानी जुबान का दे है और इसका मतलब हिंदी उर्दू में बहुत सारा हो सकता है। इसका मतलब पर भी हो सकता है, इसका मतलब के जरिए भी हो सकता है, इसका मतलब से भी हो सकता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं निहोंगो, निहोंगो तो सबको पता नहीं क्या होता है, जापानी जुबान। निहोंगो ओ हनाशिमास, निहोंगो ओ हनाशिमास, निहोंगो दे हनाशिमास, इसमें क्या फर्क क्या है? निहोंगो ओ हनाशिमास जापानी जुबान को बोलूंगा, ठीक है, और निहोंगो दे हनाशिमास का मतलब है जापानी जुबान के जरिए बोलूंगा, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है, मैं जापानी जुबान बोलूंगा वदशियो निहोंगो ओ हनाशिमास, मैं जापानी जुबान में बोलूंगा वदशियो निहोंगो दे हनाशिमास, ठीक है। जापानी जुबान में बोलूंगा इसका मतलब नहीं कि मैं जापानी जुबान में घुस जाऊंगा और वहां से बोलूंगा, नहीं, जापानी जुबान में बोलूंगा मतलब कि मैं मीडिया जो है जो इस्तेमाल करूंगा वो जापानी जुबान को एज ए मीडिया इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। निहोंगो दे हनाशिमास का मतलब है निहोंगो के जरिए बात करूंगा, ठीक है। अनातावा नानी दे इकीमास का क्या मतलब होगा? अनातावा नानी दे इकीमास का, तुम किस चीज के जरिए जाओगे? नानी का मतलब व्हाट, व्हाट दे का मतलब किस चीज के जरिए। वतशिवा वासुदे इकीमास, वतशिवा वासुदे इकीमास, मैं बस के जरिए जाऊंगा, ठीक है। वतशी व बाइक दे की बस, मैं बाइक से जाऊंगा। वतशी व कुरुमा दे की बस, मैं कुरुमा के जरिए जाऊंगा। तो दे का मतलब यहाँ पे क्या है? के जरिए। अगर मैं यहाँ पे कहूँ अनातावा नाम दे की बस का, अनातावा नाम दे की बस का, तो क्या मतलब हुआ? तुम क्यों जाओगे? तो ये बात छोटी सी आप लोगों ने याद रखना, नाम दे और नानी दे में फर्क है। नाम दे का मतलब है क्यों, नाम दे की मस्का क्यों जाओगे, ठीक है। तो क्यों के लिए हम दोष से भी लगाएंगे, लगा सकते हैं, नाम दे भी लगा सकते हैं और नाजे भी लगा सकते हैं। नाजे का मतलब भी क्यों है, नाम दे का मतलब भी क्यों है और दोष से का मतलब भी क्यों है। नाम दे थोड़ा सा रफ वर्ड है क्यों के लिए। अनाता नानी दे की मस्का, तुम किस चीज के जरिए जाओगे? अनाता नाम दे की मस्का, तुम क्यों जाओगे, ठीक है। तो वतशी वा बस दे की बस, मैं ट्रेन के जरिए कराची से लाहौर जाऊंगा। वतशी वा, मैं ट्रेन से कराची से लाहौर जाऊंगा। क्या हो जाएगा? वतशी वा देंशा दे, अगर आपको खांसी आ जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि देंशा का मतलब क्या है। शाह का मतलब है गाड़ी, हमारे वाले शाह जी, वो शाह शाह का मतलब गाड़ी और दैन का मतलब करंट की गाड़ी। करंट की गाड़ी क्या है? जिसको छोटे से करंट लग जाए, नहीं बल्कि इसमें इलेक्ट्रिक हो, यानी इलेक्ट्रिक इसमें होता है, ट्रेन में होता है, इसलिए ट्रेन को देंशा कहते हैं। वतशी वा देंशा दे कराची करा लाहौर नी, किसको मौत आ गई, यहाँ पढ़ाया लगता हूँ लोगों को बहुत आना शुरू ये बोला मुश्किल। वतशी वा देंशा दे कराची करा लाहौर नी की मत, यहाँ पे नी क्यों लग रहा है? तो मैं लाहौर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर कराची करा क्यों लग रहा है? कराची से जा रहा हूँ। यहाँ पे दे क्यों लग रहा है? ट्रेन से जा रहा हूँ, तो से के लिए तो करा आना चाहिए, तो देंशा के बाद करा लगा दे तो क्या मतलब हो जाएगा? वतशी वा देंशा करा कराची करा लाहौर नहीं, मतलब मैं ट्रेन को छूऊंगा वहां से उस जगह से
ट्रेन से फिर कराची की तरफ जाऊंगा और फिर कराची से लाहौर जाऊंगा। अगर यहाँ पे टेंशन करा लगा दूँ तो उसका मतलब है ट्रेन यहीं खड़ी रहेगी, मैं टेंशन पहले ट्रेन पर जाऊँगा और अंदर जाके बाहर दूसरे गेट से वापस निकलूंगा और ट्रेन से फिर जाऊँगा आगे कराची और कराची से फिर जाऊँगा लाहौर। ऐसा नहीं है, हम ट्रेन में बैठ के ट्रेन पर लाहौर जाएंगे, ट्रेन पर, ठीक है। तो हम ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन के पर लगेंगे और ट्रेन जो है वो जाके लाहौर पहुंच जाएगी। तो देंशा दे, तो देंशा दे, दे का मतलब क्या है, के जरिए, पर या से। मैं ट्रेन से लाहौर जाऊंगा, वो जहाज पर गए, तो जहाज पर गया, करेवा जहाज पर गया का मतलब जहाज के जरिए गया। करेवा हिको की दे की मशना, हिको की बोले तो एरोप्लेन, हिको की दे की मशना, करेवा हिको की दे की मशना, ठीक है। अच्छा ये तो क्लियर हो गया। अब यहां पर एक और कंफ्यूजन, दे का मतलब हमने बताया तो दे का मतलब पर भी है, दे का मतलब से भी है, दे का मतलब मैं भी है। मैं जापानी जुबान में बात कर रहा हूं, वातशी नो निहोंगो दे अरेस्टो इमास, ठीक है। मैं लाहौर, लाहौर बहुत मुंबई के लिए, मैं मुंबई जा रहा हूं, अब क्या हो जाएगा, वातशी वा, वातशी मतलब जो कि मुंबई नहीं की मस, मुंबई नी जा रहा हूँ, मुंबई नी तेयू, ठीक है। मुंबई का किंग कौन, भीकू मारा, नहीं भीकू मात्रे, भीकू मात्रे, हाँ भीकू मात्रे। मैं मुंबई जा रहा हूँ, वाता शिवा मुंबई नी इत्ते, यहाँ पे नी क्यों लगाया है, की तरफ जा रहा हूँ, जब हम किसी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं तो नी का मतलब होता है, तो उसके लिए लगाते हैं नी, या और क्या लगा सकते हैं, हे भी लगा सकते हैं, लिखते हे है पढ़ते ए है, वाता शिवा मुंबई ए इत्ते, ठीक है। तो ये तो हो गया नी। मैं लाइब्रेरी में हूँ, मैं लाइब्रेरी में हूँ, अब क्या हो जाएगा, वाता शिवा थोशो का नी, नी लगेगा या क्या लगेगा, किसी जगह पर मौजूद होने के लिए भी अब क्या लगाते हैं, नी लगाते, काम करते नी, बस यहाँ पे हे भी नहीं लगाते। जब किसी जगह मौजूद है आप, मैं लाइब्रेरी में हूँ, वाता शिवा तोशुकान नी इमस, यहाँ पे वाता शिवा तोशुकान ए इमस नहीं लगाएंगे, क्यों, नी या हे दो ऑप्शन उस वक्त जब आप किसी की होर जा रहे हो, ठीक है, मुझे डोर कोई खींचे तेरी होर निकल जाए, तो वाता शिवा अल्लाह का तो हो नी इक इमस, मैं तुम्हारी तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे हे या नी लगा सकते, लेकिन मैं लाइब्रेरी में हूँ, वतशिवा तोशोकान ए इमस नहीं लगे, वतशिवा तोशोकान नी इमस, ठीक है। अलियान मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने फौरन तसव्वुर कर लिया कि मैं तैयार होकर किसी की तरफ जा रहा हूँ, तुम बहुत छोड़ दी, आप इतने क्यों नहीं आ रहे, ये मैं किसका है, वो आप दोनों ठीक है, खाली ना, खाली ना, जल खाली तो लाने जरूर, आगे जा प्लीज, ठीक है। वतशिवा तोशोकान नी इमस, याद रखिए, वतशिवा तोशोकान ए इमस नहीं होगा, अगर आप तोशोकान जा रहे हैं तो आप तोशोकान नी भी लगा सकते हैं और तोशोकान ए भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर अगर आप तोशोकान में हैं तो तोशोकान नी इमस लगाएं, तोशोकान ए इमस लगाएं, आप बैग तो यहाँ भी लग सकते हैं, बड़ा वाली कुर्सी भी लग सकते हैं, आगे वाली सीट वालों को सहूलत है, ठीक है। वतशी सॉरी वा लगाना, वतशी वा तोशोकान नी इमस, मैं लाइब्रेरी में हूँ, मैं लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा हूँ, अब क्या हो जाए, वतशिवा तोशोकान दे शिंबुंगो मलाम नोंदिन, वतशिवा तोशोकान दे शिंबुंगो नोंदिन, यहाँ पे दे क्यों लग रहा है, ना मैं वहां मौजूद हूँ
ना मैं वहां पर जा रहा हूँ, बल्कि मैं वहां पर मौजूद होते हुए कुछ और कर रहा हूँ। वताशी वा खुशो कांदे लाइब्रेरी में पहुंचकर दूसरा काम शुरू कर, गए थे वो लाइब्रेरी, लेकिन जाते उन्होंने वहाँ पे कुछ और काम शुरू, कुछ और काम, ठीक है। वताशी वा खुशो कांदे शिम्बो योन दे, मैं लाइब्रेरी में खत अखबार पढ़ता, वा खुशो कांदे शिम्बो योन दे, मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा हूँ। बात अच्छा, मैं टोक्यो में रहता हूँ, मैं टोक्यो में रहता हूँ, वताशी वा टोक्यो नी सुन देमस, ठीक है, रहता हूँ वहाँ पर रहता हूँ मौजूद, वताशी वा टोक्यो नी सुन देमस, लेकिन मैं टोक्यो में टीचर के तौर पर काम करता हूँ, मैं टोक्यो में टीचर के तौर पर काम करता हूँ। अब क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख देते हैं, वताशी वा टोक्यो नी सुन देमस, वताशी वा टोक्यो नी सुन देमस, वताशी वा टोक्यो नी सुन देमस, मैं टोक्यो में रहता हूँ, यहाँ तक समझ आ गया, मैं टोक्यो में रहता हूँ, वताशी वा टोक्यो नी सुन देमस, मैं टोक्यो में एज ए टीचर काम करता हूँ, मैं टोक्यो में रहते हुए और दूसरा काम करता हूँ, पहले टोक्यो में रहना हो गया नी सुन दे, टोक्यो में रहते हुए दूसरा काम कर रहा हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, वताशी वा टोक्यो दे सेंसेई तोशिते, सेंसेई तोशिते, तोशिते का मतलब के तौर पर, वताशी वा टोक्यो दे सेंसेई तोशिते हाताराइते इमास, या हाताराइते इरु, वताशी वा टोक्यो दे सेंसेई तोशिते हाताराइते, बात समझ आ रही। आप कॉफी शॉप में गए तो क्या हो जाएगा, वताशी वा कॉफी शॉप नी कोही, कोई मिसे कोही शॉप करते, कॉफी शॉप में क्या कहते हैं जी, किस्सा तें, किस्सा तें, किस्सा तें बोले तो कॉफी शॉप, ठीक है, और अगर खोसा तें तो क्या, खोसा तें किसे कहते हैं, खोसा तें, देखिए क्या खोसा तें, ठीक है। वताशी वा टोक्यो दे सेंसेई तोशिते हाताराइते, मैं टोक्यो में सेंसेई के तौर पे काम कर रहा हूँ, बात हो जाए। चलिए एक और एग्जाम्पल बनाते हैं, मैं कॉफी शॉप गया, मैं कल रात कॉफी शॉप गया था, कल रात क्या कहते हैं, युबे, युबे, युबे किस्सा तनी इकी मच का जी, नहीं मिला आपको खोसा तें, वो मैं उबला वाले देखिए बहुत सारे, जी क्रॉसिंग, खोसा तें बोले तो क्रॉसिंग, चौरंगी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, खोसा तें, खोसा तें चौरंगी, किस्सा तें कॉफी शॉप, ठीक है, बात समझ आ रही। वताशी वा टोक्यो नी सुन देमस, मैं टोक्यो में रहता हूँ, वताशी वा टोक्यो दे सेंसेई तोशिते हाताराइते इमास, मैं टोक्यो में रहते हुए सेंसेई के तौर पे काम कर रहा हूँ। अच्छा आप क्या कहते, युबे किस्सा तें नी इकिमाशिता, कल कल शाम या रात, कल रात कॉफी शॉप गया था, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कल रात कॉफी शॉप में दोस्त से मिला, कल रात कॉफी शॉप में दोस्त से मिला, अब क्या हो जाएगा, युबे किस्सा तें दे, यहाँ पे क्या आ जाएगा दे, यहाँ पे क्या था नी, ठीक है, युबे किस्सा तें दे तोमोदाची नी अस्ता आईमाश्ता, ठीक है,
युवे खिस्सा तेन दे तो मोदा चीनी अखा ठीक है क्यों तो मोदा जी से क्यों मिले करेवा खिस्सा तेनी पिता करा मुंडा से क्यों मिले करेवा खिस्सा तेनी पिता करा बोले तो पिता करा पिता कर क्या होता है किसी को पता किसी को नहीं पता माशा खुशी की बात है किसी को नहीं पता पता चल जाएगा सब भाग जाएगा ठीक है पिता पिता किसी को नहीं पता आपको आपको पता है आपको याद है होता है इरू का मतलब है मौजूद होना ठीक है और ये ताबेरू पैटर्न के वर्ड में बता चुके हो गया इरू की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी इमस इमस और इसकी लाइन नंबर 7 क्या हो जाएगी इता और इमस्ता ठीक है तो वतशी वा करे वा किस्सा तनी इता करा करा क्यों लगाया है अच्छा सवाल करा क्यों लगाया करा का मतलब है इसलिए इसलिए वो किस्सा तैने मौजूद था इसलिए दोस्त से कॉफी शॉप में मिलने क्यों गए तेरे वा किस्सा तैने ही था कर वो किस्सा तैने में था इसलिए बात है जानी क्लियर है बात बता दूं तो ये दे का एक्सप्लेन कर रहा था इसमें बहुत सारी चीजें आ रही तो यहाँ पे आपको दे भी क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं किस्सा तैने होते हुए किसी से मिला तो यहाँ पे किस्सा तैने दे लग जाएगा नी लग रहा है यहाँ पर नी लग रहा है क्यों वो किस्सा तैने में मौजूद था यहाँ पर नी लग रहा है कि किस्सा तैने की तरफ गया मैं यहाँ पर दे लग रहा है क्यों किस्सा तैने में होते हुए दोस्त से मिला यहाँ पर दे लग रहा है ठीक है तो किस्सा तैने गा आ रही है वहाँ बुक्शो मजूर गाना तो बहुत दफा पढ़ा चुके हैं जो जिसमें कोई सब्जेक्ट सर इसमें आ रहा है ना आप अशोको नहीं किस्सा तय कर रही बस ठीक है आप कह सकते हैं इसमें अशोको नहीं वहां पर किस्सा तय का हरी बस तस्वीर कौन खींच रहा है फोटो कौन आप बना रहे आपने बनाई इनका कोई मिसाल है कि किसी ने कहा कि जनाब तुमसे कहा था पौधों में पानी डालो उसने कहा हाँ सर मगर बारिश बाहर तो बारिश हो रही है उसने कोई बात नहीं छतरी लेके डालो छतरी के नहीं वीडियो बन रही है वीडियो अपलोड हो जाएगा वीडियो देख लीजिएगा फोटो बना के बात अभी करना अभी अभी ले लीजिए मुझसे आपने अभी करनी अभी नहीं किस्सा तैन गा अरे अशोक को नहीं किस्सा तैन गा अरे वहाँ पर किस्सा तैन गा अरे जब हम किसी चीज़ को जोर देते हैं कि मिसाल के तौर मैं टोक्यो जाऊंगा वतशिवा टोक्यो नहीं की मस मैं टोक्यो जाऊंगा वतशिवा टोक्यो नहीं की मस टोक्यो कौन जाएगा अब आप क्या कह रहे हैं मैं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा वतशी गा इन की मस ठीक है गा जो लगता है कभी कभार जोर देने की ठीक है गाय जो लगता है कभी बार जोर देने के लिए आलिया के साथ दो दफा हो गए इसके अपसेट हो ऐसी मैं फर्क पैदा करने की कोशिश करता हूँ बुरा मत पाने के लिए है इग्नोर कर लीजिए ठीक है वो ऐसे ही मैं थोड़ा सा इसमें मुझे पता है जैपनीज लैंग्वेज मुश्किल है तो आप लोग सब बोर हो जाते हैं और मैंने जैसे आपको बताया था रिसर्च कहती है कि आदमी 15 मिनट तक फोकस कर पाता है किसी भी लेक्चर आपको मैं कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ कोई आपको सुनाए आप 15 मिनट तक फोकस कर पाते हैं उसके बाद फिर आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करने से इनकार ही हो जाता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा बीच बीच में फन पैदा करने की कोशिश करता हूँ अपने तौर पर कितना हो पाता कि आप लोगों को ज़्यादा पता हो क्या बात हो रही थी गा हाँ तारेगा तो क्यों नहीं की मस का कौन तो क्यों जाएगा तो अब आप कहेंगे वतशी गा की मस ठीक है मैं जाऊँगा तो यहाँ पर जब जोर दे रहे हैं आप मैं पर तो फिर जिस चीज़ पे जोर देते हैं वहाँ क्या लगता है गा असो को नहीं किस्सा तय हुआ हरिमस
वहाँ पर कॉफी शॉप है। आपसे किसी मुझे कॉफी शॉप का है आसोक को नहीं किस्सा कहेंगे अरिमस, वहाँ पर कॉफी शॉप है, तो कॉफी शॉप पे जब आप जोड़ देना तो गा लग जाए। अगर गा ना लगाएं वाह भी लगाएं तो गलत नहीं है, लेकिन गा आमतौर पर जोर देने की जाए। गा के इस्तेमाल बहुत सारे हैं। गा के बहुत सारे इस्तेमाल है। गा जो है वो प्लूरल के लिए भी लगता है। रिंगो गा, रिंगो वा थकाई दिस, सेब महंगा है, लेकिन रिंगो गा थकाई दिस इसका मतलब है सेब महंगे हैं। ठीक है, वताशी ताची वा इकीमस, हम जाएंगे वताशी ताची गा इकीमस। ठीक है, तो गा प्लूरल के लिए भी लगता है और बहुत जरूरी। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।